नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 34वें मुकाबले में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। जहां मुंबई की टीम अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों शिकस्त झेल कर आ रही है, वहीं कोलकाता अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बेहद बुरी तरीके से हराया था। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुंबई अभी भी चौथे स्थान पर है। उसने अब तक खेले गए 8 मैचेस में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 में से 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल की है। उसके पास कुल 6 अंक है और वो पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर है, लेकिन बेंगलुरु के खिलाफ जीत से टीम का आत्मविश्वास काफी बड़ा होगा। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को दूसरे हाफ के पहले मुकाबले में टीम ने गेंदबाजी से तो अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद चेन्नई ने शानदार वापसी करते हुए मुंबई को करारी शिकस्त दी थी। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पहले मैच में नहीं खेले थे। कोलकाता के खिलाफ दोनों की वापसी तय मानी जा रही है। टीम की बल्लेबाजी पहले मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। डेथ ओवरों में भी गेंदबाजों को काफी मार पड़ी थी। वहीं कोलकाता ने बेंगलुरु के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था। बेंगलुरु को सिर्फ 92 रन पर टीम ने ऑल आउट कर दिया था और इसके बाद 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर एक बड़ी जीत बेंगलोर के खिलाफ हासिल की थी। टीम को नेट रन रेट में भी इस जीत से बड़ा फायदा होगा। दोनों टीमों के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो ये टीमें कुल 28 बार अब तक आमने सामने आ चुकी हैं और इस दौरान मुंबई का पलड़ा केकेआर पर बहुत भारी नजर आता है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम कोलकाता के खिलाफ 22 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं कोलकाता केवल 6 मैच ही मुंबई के खिलाफ जीत पाई है। मुंबई की टीम सर्वाधिक 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, वहीं कोलकाता के नाम 2 खिताब हैं। मुकाबला अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें, इस मुकाबले में रोहित शर्मा की वापसी तय मानी जा रही है। रोहित शर्मा शानदार लय में चल रहे हैं। टीम पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ की गई गलतियों से बचना चाहेगी। चेन्नई के खिलाफ 156 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम, सौरभ तिवारी को छोड़कर मुंबई का कोई बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका था और टीम बेहद बुरी तरीके से अंत में लड़खड़ा गई थी। वहीं केकेआर की टीम का मनोबल आरसीबी के खिलाफ जीत से काफ़ी बढ़ा हुआ है और अपनी जीत की लय को वो बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच एक धमाकेदार मुकाबले की पूरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।